जय माता दी। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी फुल पैंट की कटिंग और इसकी स्टिचिंग भी की वीडियो भी आपके आगे। अगर आप बिगनर हैं तो अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप एकदम इजी तरीके से पैंट कटिंग करना सीख जाएंगे। ये हमारी पैंट की लेंथ है 38 इंच, थाई है 28 इंच, इसकी कमर है 33 इंच। कमर का नाप हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें इलास्टिक डालनी, इसकी फुली इलास्टिक आएगी और इसका नीचे का बॉटम है 18 इंच मतलब 18 इंच। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पैंट की फुली कटिंग बताने वाली हूँ। आप बिगनर हैं तो आप इस को पूरा देखिए एकदम सिंपल तरीके से। अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कपड़े को एक किनारे से लेकर दूसरी किनारे आप प्रेस करके सीधा अच्छे से टेबल पर आप बिछा लेंगे और ये जो ओपन वाला भाग है हमारी साइड अपने साइड रखेंगे और ये बंद वाला भाग उधर रहेगा। और इसके बाद स्केल और ये फुट्टे की हेल्प से आप एक सीधा स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। जो भी हमारा आड़ा टेढ़ा कपड़ा है वो हमारा कट करके निकल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक इंच ऊपर हम अपना इंची टेप एक इंच ऊपर रखेंगे क्योंकि हमारी यहाँ पे इलास्टिक अटैच होगी। एक इंच ऊपर रख के सीधा हम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। हमारी पैंट की लेंथ थी 38 इंच, 38 इंच पे हम सीधा लाइन मार्क कर लेंगे और इसी में हम लगाएंगे आसन की लेंथ, आसन की लंबाई। तो आसन हमारा इस में हो जाएगा, हमारी हिप थी इसमें हमारा हिप था 40 इंच, 40 इंच था तो 40 का 4 भाग होगा 10, 10 में हम 2 प्लस कर लेंगे तो इसमें हमारा आसन आएगा 12 इंच का, 12 इंच का हम इसमें आसन रखेंगे। अगर आपको बिगनर है तो आपको स्ट्रेट नहीं लगाते आना था तो आप यहाँ पे भी ये कैसे लगा लेंगे लाइन 12 इंच, एक इंच ऊपर करके 12 इंच पे हम ये हमारा आसन की हो गया और इसके बाद ये हमारी लेंथ की हो गई सीधी स्ट्रेट। हम इसको खींच लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा इतना जाएगा सिलाई में हाफ इंच। हमारा थाई था 18 इंच, 28 इंच, 28 का हाफ होता है 14 इंच मतलब 14 इंच, 14 इंच यहाँ से हम ऐसे निशान लगाएंगे। जहाँ से हमने 14 इंच पे निशान लगाया उसके जस्ट पीछे 1.5 इंच पे बैक में करके एक निशान और उठा लेंगे। 14 का हमारा हाफ होगा 7 इंच, 14 का हाफ होता है 7 इंच, 7 इंच पर हम एक और निशान लगाएंगे। हमारा सेंटर का निशान हो गया 7 इंच से। हम यहाँ पे आप बैक में देखेंगे किनारी साइड हमारा आ रहा है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच ऐसे करते करते पूरे हम सेंटर क्रीच का एक निशान हम बनाएंगे जिससे हमारा पैंट जो है साइड में न घूमे और ये हमारा सेंटर निकल गया, सेंटर निकल गया। सेंटर निकलने के बाद आप हम एक सीधी ऐसे निशान लगा लेंगे सेंटर निकलने के बाद, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा ये सेंटर है सेंटर से ही हम बॉटम निकालेंगे। बॉटम हमारा 18 इंच का था मतलब 18 का हाफ हो गया 18 का हाफ हो गया 9 इंच हमारा इसमें बॉटम है तो इसमें हम क्या करेंगे 4 इंच, ये हो गया 16 हो गया हमारा 4 इंच इधर 4 इंच इधर। आप सेंटर से 4 इंच इधर 4 इंच इधर 8 दूनी 16 हो गया हाफ इंच हमारे यहाँ पे मार्जिन में जाएगा। इसके बाद ये क्या करेंगे, ये जो हमारा थाई का निशान है थाई से हमारे ये बॉटम के निशान से हम ये स्केल की सहायता से आप ऐसे सीधी निशान लगा लेंगे। और ये जो हमारा आसन का निशान है आसन के निशान से 1 इंच 1.5 इंच नीचे हम ऐसे निशान लगा लेंगे और इसके बाद ये होता है पैंट कटिंग के लिए फुट्टा आता है उसी से आप ये स्ट्रेट निशान उठा लेंगे। अब हम यहाँ पे कमर का नाप लगाएंगे। कमर हमारा 33 इंच था, 33 का 1/4 भाग होता है 8.25 इंच, 8.25 इंच से हम यहाँ कर लेंगे। इसमें लूजिंग डाल देंगे, लूजिंग में यहाँ पे 2.5 इंच का डाल रही हूँ, हमारी इलास्टिक जाएगी। इसके बाद ये जो मैंने बैक में 1.5 इंच बैक करके निशान लगाया था इसको ऐसे सीधी कर लेंगे। सीधी करने के बाद एक यहाँ पे शेप दे देंगे आप, शेप दे देंगे। और ये जो हमारा सेंटर क्रीच है, सेंटर क्रीच से 0.5 इंच हम नीचे इधर डाउन कर देंगे ताकि हमारी इलास्टिक डालने पर पैंट की फिटिंग एक परफेक्ट फिटिंग आए। इसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे।
कटिंग करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे डाउन में ऐसे कट करेंगे। कट करने के बाद इसको सीधा ऐसे कट करके निकाल देंगे। आधा इंच फालतू हम कट करेंगे, हाफ इंच, क्योंकि ये हमारी सिलाई में जाएगी ये कटिंग। और ये जो हमारा नीचे का बॉटम है इसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे। बॉटम आपको जो फोल्ड है, मैंने इसमें 2.5 इंच का फोल्ड रखा है, आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। और ये हमारा फ्रंट पल्ला कट गया, अब हमें काटना है बैक पल्ला। तो चलिए आगे बिछा के मैं आपको दिखाती हूँ। हाउस पर ये हमने फ्रंट पल्ला कट कर लिया था, आपने देखा था फ्रंट पल्ला, ये हमारा फ्रंट पल्ला। ये बैक को भी हम वैसे ही डबल में कपड़ा बिछा लेंगे, ओपन साइड अपनी साइड रखेंगे, फ्रंट पल्ले को हम इस पर बिछा लेंगे। फ्रंट पल्ले को बिछाने के बाद यहाँ से ये जो हमने डाउन करके कट किया था, यहाँ से हम बैक पल्ला 2.5 इंच, 2 एंड द हाफ ये बैक पल्ला हम उठा के कट करेंगे आसन। और ये जो हमारे यहाँ पे है, यहाँ से आप सीधी इंची टेप या फुट्टे की हेल्प से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा आसन है। और इसके बाद सेम हमारा जैसे है वैसे सेम टू सेम कटिंग हो जाएगी, सिर्फ हमारा इसमें बैक पल्ला में आसन हम उठा के कट करेंगे ऐसे। जो भी हमने ड्रॉ किया है सेम टू सेम आप कट कर देंगे। ये हमने पूरा कटिंग कर लिया था, आपने देखा ये पूरा हमने फ्रंट पल्ला ऐसा 2.5 इंच उठा के हमने कटिंग कर लिया। इसके बाद ये जो हमारा साइड में है ये आसन सम 1.5 इंच, ये जो हमने निशान लगाया था इसको भी हम ऐसे कट करके हटा लेंगे। ये जो हमारा नीचे का फोल्ड है इसे सीधी कट करके आप हटा लेंगे। हम हमेशा कट मार लेंगे जहाँ से हमें बॉटम फोल्ड करना है, ये हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा। ये पूरा पैंट की आपकी कटिंग है, इसमें इलास्टिक जाएगी। ये फ्रंट पल्ला है, ये देखिए आप फ्रंट पल्ला है, और ये हमारा बैक पल्ला है जो कि हमने आसन उठा के कट किया 2.5 इंच। सेम टू सेम आप इसमें यहाँ पे इलास्टिक जाएगी, इलास्टिक हमारी आएगी 4 इंच की। आप पट्टी निकालेंगे, इलास्टिक पट्टी हमारे कितने होगा, कितने इंच का होगा हमारा, ये हमारा पट्टी हम ले लेंगे टोटल 50 इंच, मतलब 50 इंच की पट्टी 4 इंच की लंबाई में हम पट्टी, लंबाई होगी 50 इंच और चौड़ाई होगी 4 इंच की पट्टी। और ये हमारी पैंट की पूरी फुल्ली कटिंग है। अब इसमें पॉकेट निकालेंगे, पॉकेट काटने का मैं आपको इसी में बता रही हूँ, पॉकेट आप कैसे काटेंगे। ये जो हमने पैंट कट किया था ये उसका आसन का एरिया है, आसन का एरिया है। इसके बाद क्या करेंगे कि हमें पैंट, हम कभी भी कट करेंगे तो पैंट की लंबाई हम 13 इंच रखेंगे, 13 इंच। यहाँ से आप ऐसे 13 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और इसकी जो बिर्थ है, इसकी चौड़ाई है, हम डबल में है ये कपड़ा हमारा डबल में है, तो 7 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। और ऊपर हम रखेंगे 5 इंच। और इसके बाद ये जो हमने 7 इंच पे निशान लगाया है इसको ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। आप इसको चाहे तो ऐसे राउंड में भी ऐसे दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे चकोर भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इसके बाद इसको देखिए मैं इस राउंड में हल्का कट कर रही हूँ। जो भी हमने लाइन खींचा है उसी पे सीधा हम कट करके इसको निकाल देंगे। ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई, डबल में है तो ये हम सेंटर से इसको कट कर देंगे। ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई, ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई, जो कि हमारी जेब पॉकेट लगेगी हमारी पैंट में। इसके बाद जो हमारी पट्टी थी, पट्टी हम कैसे निकालेंगे, इलास्टिक हमारी 1.25 इंच की इलास्टिक जाएगी, 1.25 इंच की इलास्टिक जाएगी, तो 1.25 इंच की इलास्टिक जाएगी हमारी पैंट में, तो उसमें हम 4 इंच की पट्टी कट करेंगे, 4 इंच की, 4 इंच की 50 इंच लंबा, तो 4 ऐसे रखेंगे आप डबल में ऐसे 4 इंच करके, और ऐसे मार्क कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आप ऐसे लंबाई कर लेंगे 4 इंच, ये हमारी पट्टी कट करके निकल जाएगी।
ये हमारी हो गई पट्टी जो कि इलास्टिक लगी हुई, पूरी कटिंग हो गई और इसको रख देंगे। ये हमारा पॉकेट हो गया, पॉकेट हो गया। ये हमारा पैंट हो गया, पैंट की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।